चलेगी, कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि जब तक सत्ता है लखीमपुर हिंसा में शहीद किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होने जाते समय रोके जाने से नाराज कांग्रेसी आक्रोशित हो गए और केसरीगंज तिराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और वहीं पर यातायात व्यवस्था बाधित कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया मगर वो नहीं माने। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई। इससे करीब 2 घंटे तक यातायात व्यवस्था बाधित रही। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों की शहादत में भारतीय किसान मोर्चा ने 12 अक्टूबर को अंतिम अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अरदास में शामिल होने को उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भारी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी लखीमपुर पहुँचने की कवायद में लगे हैं। मंगलवार को कांग्रेस खेल कूद प्रकोष्ठ के चेयरमैन हर्षी रजा अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर को जा रहे थे। रास्ते में लखीमपुर के केसरीगंज तहसील बाईपास मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिर क्या था, गुस्साए कांग्रेसियों ने केसरीगंज पुलिस पिकेट के समीप कांग्रेस के चेयरमैन अर्शी रजा की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे यातायात भी अवरुद्ध हो गया। जानकारी पाकर उप जिलाधिकारी पंकज कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव, कोतवाल प्रभारी मनीष कुमार सिंह मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उनसे वार्ता की, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय प्रशासन ने मात्र 2 गाड़ियों को लखीमपुर जाने की इजाजत दी, तब कहीं जाकर बाधित यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी। प्रदर्शन के दौरान चेयरमैन अर्शी रजा ने आई इंडिया को बताया, काउंसिल का चेयरमैन यूपी कांग्रेस का, और ये तानाशाही सरकार की है, लखनऊ से लेकर यहाँ तक बार बार बैरिकेडिंग लगा के रोक रहे हैं और ये जनता का हरेसमेंट खुद कर रहे हैं, बस की चाबी निकाल ली और रास्ता घेर रहे हैं। ये अन्याय है, ये तानाशाही है। इस तानाशाही का जवाब 2022 में जनता भी देगी। किसानों को रौंदा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, सरकार पूरी तानाशाही कर रही, किसी को सर नहीं उठाने दे रही। इसका जवाब देश की जनता देगी, मगर हम इनके जुल्म के आगे चुप रहने वाले नहीं है। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये तानाशाही कर रहे हैं, ये जालिम से इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे, इस लड़के ने पूछना उसको, ये मेहमान बना के बुला रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, इसका जवाब हर स्तर पर दिया जाएगा। उधर प्रदर्शन से केसरीगंज तिराहे पर करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिस कारण राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।